अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल फ्रीजी हो गए हैं, बालों में कोई चमक नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। खाने की थाली में अगर दही मिल जाए तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। दही को इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं हूँ जॉली, जॉलीज डायरी में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बालों को सॉफ्ट करने के लिए, रूसी को दूर करने के लिए, बालों का झड़ना बंद करने के लिए, बालों को घना, लंबा और चमकदार बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर होता है क्या, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से दही ले लेते हैं, उसको फेंट लेते हैं, फेंट के बालों में लगा लेते हैं, लेकिन इतना करना बालों के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। आज मैं दही को कैसे बालों में लगाने से आपका बालों का झड़ना कमती हो जाएगा, आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे और डैंड्रफ भी नहीं होंगे, इसी का रेमेडी लेके आए हूँ। ये रेमेडी बॉयज गर्ल्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे से बड़े तक सबको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हॉस्टल में भी रहते हैं ना, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी जितना अच्छा है, जितना सिंपल है, उतना ही पावरफुल है। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपके बाल फ्रीजी हो गए हैं, आप इसको वीकली वंस इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, आपके बालों का झड़ना कमती हो जाएगा, तब आप जाकर 15 दिन में एक बार इसको इस्तेमाल कीजिए। देख लेते हैं मैं इस रेमेडी को कैसे बनाती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए दही। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से दही लीजिएगा। उसके बाद चाहिए कोकोनट ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जो ऑयल सर पे लगाते हैं, जो आपको सूट करता है, वही ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद लेना है हनी। हनी एक चम्मच लीजिएगा। अगर आपके बाल लंबे हैं तो एक चम्मच लीजिएगा, अगर छोटे हैं तो हाफ चम्मच, नहीं तो 1/4 स्पून लीजिएगा। सब एक साथ अच्छी तरीके से मिला लीजिए। बन गया आपका हेयर पैक। मेरे बालों का हालत देखिए, पूरा फ्रीजी हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में कोई चमक भी नहीं है। देखिए मैं पहले बालों के हेयर रूट में लगा रही हूँ, स्कैल्प में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरे बालों में लगाऊंगी, पूरे बालों के लेंथ में अच्छी तरीके से लगा लूँगी। आप लोग पैक को इस तरीके से लगाइएगा कि एक एक बालों में ये पैक लगना चाहिए। पूरे बालों के लेंथ में भी आप लोग लगाइएगा, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से पैक को लगा लीजिएगा। लगाने के बाद 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लोग शैम्पू कर लीजिएगा, लेकिन कंडीशनर का इस्तेमाल एकदम नहीं कीजिएगा। इस पैक का मेन इंग्रेडिएंट्स है दही। दही में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये स्कैल्प के डैंड्रफ को दूर करते हैं, बालों को मुलायम बनाते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं और हेयर फॉल को भी कम करते हैं, स्कैल्प को अच्छी तरीके से सफाई करते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं। हनी बालों को लंबा और घना बनाता है, बालों को मुलायम बनाता है, स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है। कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, ये बालों को ना केवल मुलायम और चमकदार बनाते हैं बल्कि बालों से जुड़ी कई प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं और स्कैल्प को नमी प्रदान कर ड्राई स्कैल्प के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, डैंड्रफ को दूर करते हैं और बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। देखिए मैं पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगा ली हूँ। लगाने के बाद एक जूड़ा करके मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं बालों को शैम्पू कर ली हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ बालों में मेरे कितने चमक आए हैं। देखिए मेरे बाल कितने चमकदार हो गए हैं, कैसे फ्रीजी थे, सब फ्रीजीनेस चले गए, बाल एकदम मुलायम हो गए। एक बार के इस्तेमाल से ही मेरे बाल पूरा सुलझ गए हैं, सिल्की हो गए, चमकदार हो गए हैं। इस पैक को लगाने के 2 दिन के बाद मैं फिर वीडियो की हूँ, देखिए कितने चमकदार है और मेरे बालों का झड़ना भी बहुत कमती हो गए हैं और मेरे बाल उतने ही सॉफ्ट हैं और सिल्की हैं। रेमेडी अगर आप लोगों को अच्छा लगा
तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।